ये देखिए किस तरह से टूटा हुआ, ये देखकर आप लोग सोचिए कि ये स्कूल का स्थिति क्या होगा। और इस तरह से यहाँ से थोड़ा से देखने की कोशिश करें बच्चे, अरे इसमें मतलब 6 के भी बच्चे हैं, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के। बताइए कि इसका क्या हो जाए कि आप लोग एक क्लास में दो टीचर, बताइए, चार चार हैं आप लोग, दो आए हुए हैं और दो सर कहाँ हैं? सिक्स क्लास में पढ़ते हो तो ये 10th क्लास में क्यों बैठे हो? अच्छा, इसमें से हम सवाल पूछे तो बता दोगे? जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है कि ये ईंट रखने के लिए होता है, उनका शौचालय किस तरह की स्थिति है, इसमें कौन शौच करेगा भाई इस तरह? अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक हाई स्कूल है जो आप लोग ऊपर नाम पढ़ सकते हैं। और ये इसका स्थिति जो पहले मैं दिखाया था तो किस तरह था, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा था और समय पर शिक्षक भी नहीं आ रहे थे। और मैं जब वीडियो बनाया और उसको डाला, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसका उस वीडियो का असर ये है कि आज इस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। आइए यहाँ पे चाचा जी हैं, इनसे पूछते हैं, क्या चाचा जी पहले पढ़ाई होता था? नहीं, पढ़ाई होता, पढ़ाई होता, पढ़ाई हो रहा है न? यानी आप लोग सोच सकते हैं कि इस वीडियो का, मेरा उस वीडियो का असर ही इतना पड़ा है कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो उस वीडियो की वजह से ये मास्टर साहब और आप जो भी समय से नहीं आ रहे थे और इस गांव के जो भी बच्चे थे नहीं आ रहे थे, तो वो लोग आना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक भाई साहब है, यहाँ पे इनसे पूछना, क्या भाई साहब पहले इसमें पढ़ाई होता था? ना, पहले नहीं होता था। अच्छा, अब हो रहा है? अब हो रहा है। यहाँ पे लोग के यहाँ पे एक कुर्सी रखा गया है और यहाँ पे जो ये फर्श है, आप लोग, मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस तरह से टूटा हुआ है। ये देखकर आप लोग सोचिए कि ये स्कूल का स्थिति क्या होगा। और इस तरह से यहाँ से थोड़ा से देखने की कोशिश करें कि किस तरह से इसका स्थिति है और ये कितना टूटा हुआ है। कोशिश करें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ग 10th है और इस 10th क्लास में मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अंदर। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद सर भी हैं लोग और दो सर हैं इसमें, दोनों सर पढ़ा रहे हैं, ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और इन लोगों का धन्यवाद है कि इस स्थिति में भी इस तरह का कंडीशन है इस स्कूल का, तभी ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो भी बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइए, कैमरामैन इधर दिखाने की कोशिश करें। सर आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद यादव। अच्छा सर, ये किस क्लास के सब बच्चे हैं? इसमें मतलब 4 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और 10 के। यानी इसमें 4 क्लास के बच्चे हैं और वहाँ पे लिखा है वर्ग 10वां। बता रहे हैं आपको, चूंकि हमारे मतलब 10 के बच्चे 20 रजिस्टर्ड है इसमें, ठीक है ना, तो बच्चा आता नहीं है। एक बार पहले भी हम आप लोगों को बोले थे कि बच्चा नहीं आता तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग मतलब बीओ साहब का मतलब दौरा हुआ, यहाँ बीओ साहब आए, सब जांच पड़ताल हुआ, हम लोग अभिभावकों का गोष्ठी बुलाए। गोष्ठी होने के बावजूद अभिभावक लोग बोले कि बच्चे बच्चा आएगा, लेकिन फिर भी अभी लगन का समय चल रहा है, लोग मतलब डेरा के लोग हैं उतना शिक्षित नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि लगन के चलते बच्चे नहीं जाते हैं। तो जब 10 के बच्चे नहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 6, 7, 8 के जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं। यही सर, एक बात बताइए कि आप लोग इसमें दो शिक्षक हैं, इसका क्या वजह? आइए सर आप ही बताइए कि इसका क्या वजह है कि आप लोग एक क्लास में दो टीचर हैं? कमरे का अभाव है यहाँ पे। अच्छा, कमरे का अभाव है। अच्छा सर, इसमें टीचर कितना है ये बताइए? चार। चार हैं, आप लोग दो आए हुए हैं और दो सर कहाँ हैं? एक सर वहाँ बैठे हैं जैसे वो भी जा रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें स्थिति क्या है कि ये हाई स्कूल है और इसमें दो टीचर इसमें है और एक इधर में मिडिल स्कूल है उसमें दो टीचर है, यानी चार शिक्षक हैं और हाई स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल पूरा देख रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है और इसमें चार क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा सा इन लोगों से पूछते हैं कि क्या स्थिति है। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? पर्थराज कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स क्लास में पढ़ते हो तो ये 10th क्लास में क्यों बैठे हो? सर इसका वजह क्या है? जगह नहीं है, जगह नहीं है, क्लास नहीं है। इसका देख सकते हैं आप लोग कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप 17 साल से हैं बिहार में और बिहार की स्थिति अभी तक सुधार नहीं पाए हैं, तो आपको क्या कहा जाए? हम लोग को भी कहने में शर्म आ रहा है कि किस शब्द से आपको कहें कि इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करें कि ये किसी हाई फाई स्कूल के और किसी नेता के इसमें बच्चे नहीं है, जबकि एक ये मिडिल क्लास के और गरीब फैमिली के बच्चे हैं जो इस तरह से बच्चे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विवेक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? कौन काम करते हैं बता दो? कबाड़ी के। कबाड़ी के काम करते हैं। अब सोच सकते हैं कि किसी नेता का लड़का नहीं है, ये उसी गरीब फैमिली से आता है जिस गरीब फैमिली को नीतीश कुमार कुछ करते ही नहीं है। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? डब्लू कुमार।
और पिताजी क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। देख सकते हैं कि ये किसान का लड़का है। और यहाँ पे जो भी बच्चा आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों की स्थिति भी आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो एकदम गरीब फैमिली से है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा लड़का जो नालंदा के सोनू नाम का, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूरा उजागर करके रख दिया है, और नीतीश कुमार जी से जब सवाल कर रहा था, जब उनसे बात कर रहा था आंख में आंख डाल के, तो नीतीश कुमार जी दांत दिखा रहे थे, क्योंकि उनका सरकारी विद्यालय की स्थिति जो है वो खुद जानते हैं कि क्या है और किस तरह से है। इसलिए उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि दांत दिखाया। अभी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ईंट रखा हुआ है। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये ईंट किस लिए रखा गया। सर आप बताने की कोशिश करें कि ये जो ईंट रखा हुआ है, जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है कि ये ईंट रखने के लिए होता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो ये फिर ईंट क्यों रखा गया ये बताइए। ईंट जैसे बाहर था तो रख दिया। उसको अंदर काहे ला दिए हैं आप? बाहर ही रहने देना चाहिए आपको। क्या आपको यहाँ चोरी होने का डर है क्या? हाँ, चोरी का डर है। देखिए हम लोग का बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, और हम लोग इस तरह से अगर दिखाए तो शायद अदर स्टेट में इसका छवि खराब होगा। मगर नीतीश कुमार जी आपको सोचना चाहिए कि सरकारी स्कूल के स्थिति क्या है और इसको किस तरह से सही करना चाहिए। बच्चे जो है गरीब फैमिली के, वो थोड़ा सा पढ़े आगे बढ़े। और एक लड़का ने पूरे बिहार के सरकारी व्यवस्था को उजागर करके रख दिया है कि इस स्कूल का शौचालय किस तरह की स्थिति है, इसमें कौन शौच करेगा भाई, इस तरह की स्थिति है इस सरकारी स्कूल का। और देखिए किस तरह से भ्रष्ट के भेंट चढ़ा हुआ है ये शौचालय, और इस सरकारी स्कूल का शौचालय की स्थिति ये है, आप लोग सोच सकते हैं। और इसमें अभी तक कहीं यहाँ पे देखने की कोशिश करें कहीं भी कल नहीं है। इस सरकारी स्कूल का स्थिति यह है कि इसमें कहीं भी कल नहीं है।